गाइस, योशिता दिस साइड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे रिएक्ट डॉट जे एस क्या होता है। यदि आप कोडर हैं या फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, या फिर इनमें से किसी भी चीज़ में आप अपना करियर देख रहे हैं, तो आपने रिएक्ट डॉट जे एस का नाम ज़रूर सुना होगा। तो आज हम देखते हैं रिएक्ट जेएस क्या होता है और ये क्या होता है और ये इतना डिमांडिंग क्यों है। तो रिएक्ट डॉट जे एस क्या है? हमारा एक जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक ने क्रिएट किया है यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। जो रिएक्ट है वो मेनली हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के काम आता है। तो अब यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाट द हेल इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन नाउ। तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस मैं बताती हूँ क्या होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिस एप्लीकेशन में आप किसी भी टैब में क्लिक कर लो, लिंक में क्लिक कर लो, या फिर आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन एप्लीकेशन में चले जाओ, तब भी वो एप्लीकेशन रीलोड नहीं होगी। वो कहलाती है हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो जितनी भी आजकल मॉडर्न एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन ही है। अब देखो, जैसे हम यूट्यूब में हैं, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी सारे टैब्स आपको दिख रहे होंगे। अगर मैं इनमें से किसी भी टैब में क्लिक करूँगी, तो आइडियली पहले क्या होता था कि ये पूरी एप्लीकेशन रीलोड होती थी और फिर से हमारा अपीयर होता था वो वाला सेक्शन जिस भी टैब में हम क्लिक करते थे। बट अब देखना, मैं कंप्यूटर्स में क्लिक करूँगी, आप लोगों का ध्यान होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इस टैब में जहाँ पे हमारा यूट्यूब लिखा है और जहाँ मेरा कर्सर अभी पॉइंट कर रहा है, वहाँ पर आप लोगों को देखना है मेरे कंप्यूटर्स पे क्लिक करने पर भी हमारी एप्लीकेशन रीलोड नहीं होगी, लेकिन आई विल गेट ऑल द वीडियोस रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। सी, अभी मुझे कंप्यूटर्स के सारे वीडियोस मिले लेकिन मेरी एप्लीकेशन रीलोड नहीं हुई। तो दिस इज़ व्हाट सिंगल पेज एप्लीकेशन इज़। और तो रिएक्ट के बारे में हमने ये तो देख लिया। अब सेकेंड थिंग होती है कि ये रिएक्ट जो है ना वो इसलिए इतना डिमांडिंग है क्योंकि ये इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट से पूरी एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे व्हाट इज़, लाइक सोच रहे होंगे व्हाट इज़ रीयूजेबल और अब व्हाट इज़ कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है रिएक्ट में? सपोज मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें मेरे पास एक हेडर होगा, एक साइड बार है और एक और बॉडी होगी, कंटेंट होगा मेरी एप्लीकेशन में। तो मैं क्या करूँगी, या तो मैं पूरी एप्लीकेशन एक फाइल में बना के लिख लूँगी, और मतलब सारा कोड एक फाइल में बना लूँगी, और जब भी मैं एप्लीकेशन में थोड़ा भी चेंज होगा मुझे पूरी फाइल में से उसको ढूंढ के चेंज करना पड़ेगा और फिर मेरा पूरा पेज रीलोड करना पड़ेगा अगेन, है ना। तो ये सारी झंझट से बचना है तो वी कैन यूज़ रिएक्ट। रिएक्ट में क्या होता है कि हम हर एक कंपोनेंट, कंपोनेंट मींस हम हर एक फाइल बना सकते हैं, ठीक है, उसका कोड इंडिविजुअल लिख सकते हैं। तो वो जो इंडिविजुअल पीस ऑफ कोड होता है उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो रिएक्ट में क्या होता है, हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लेते हैं और उसके थ्रू हम एक कॉम्प्लेक्स और बड़ी से बड़ी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट रिएक्ट एग्जैक्टली इज़। तो अगर आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अपने नोट्स या तो पेस्ट कर दूंगी एज अ पीडीएफ इसी वीडियो के लिंक में, या फिर आप इन सारी स्क्रीन्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्चुअल रोम और JSX क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम रिएक्ट एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। द सेटअप आई विल शो यू लाइव हाउ टू क्रिएट द रिएक्ट एप्लीकेशन इन योर पर्सनल और इन लाइक कंप्यूटर और लैपटॉप। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।